इस समय आपको बता रहे हैं मौसम को लेके एक बड़ा अपडेट। जाने कि सितंबर महीने में कैसा रहने वाला है मौसम। इस मॉनसून सीजन में जून और अगस्त में सामान्य से अधिक बारिश हुई है, वहीं जुलाई में मॉनसूनी बारिश सामान्य से सिर्फ 3% कम रही है। मॉनसून के 4 महीने के दौरान होने वाली बारिश का कोटा पहले ही पूरा हो चुका है और अब मानसून आखिरी पड़ाव में चल रहा है। सामान्य तौर पर अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से 17 सितंबर को मॉनसून विदाई ले लेता है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक सितंबर में भी मॉनसून के बने रहने की संभावना बनी हुई है। वेदर फोरकास्ट से जुड़ी एजेंसियों के अनुसार लाल नीना सितंबर के अंतिम हफ्ते तक सक्रिय हो सकता है। ऐसे में मॉनसून पर इसका कोई असर दिखता नजर नहीं आ रहा है। सितंबर के पहले हफ्ते में बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम सक्रिय हो रहा है, इसकी वजह से एक बार फिर मॉनसून की बारिश बढ़ेगी सितंबर महीने में भी। सितंबर के पहले हफ्ते में मध्यम बारिश के चांस है देश भर में, लेकिन मॉनसून की विदाई को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। मौसम एक्सपर्ट्स का मानना है कि सितंबर में भी देश भर के तमाम राज्यों में बारिश की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि खेती किसानी से जुड़े एक्सपर्ट्स का कहना है कि मॉनसून की विदाई में देरी होती है तो इसका असर कपास, धान, सोयाबीन, मक्का और दालों की फसल पर हो सकता है। इन फसलों का नुकसान हो सकता है क्योंकि ये फसलें सितंबर तक कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं। मौसम पे तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए किसान तक के साथ। इस समय आपको बता रहे हैं मौसम को लेके एक बड़ा अपडेट। जाने कि सितंबर महीने में कैसा रहने वाला है मौसम। इस मॉनसून सीजन में जून और अगस्त में सामान्य से अधिक बारिश हुई है, वहीं जुलाई में मॉनसूनी बारिश सामान्य से सिर्फ 3% कम रही है। मॉनसून के 4 महीने के दौरान होने वाली बारिश का कोटा पहले ही पूरा हो चुका है और अब मानसून आखिरी पड़ाव में चल रहा है। सामान्य तौर पर अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से 17 सितंबर को मॉनसून विदाई ले लेता है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक सितंबर में भी मॉनसून के बने रहने की संभावना बनी हुई है। वेदर फोरकास्ट से जुड़ी एजेंसियों के अनुसार लाल नीना सितंबर के अंतिम हफ्ते तक सक्रिय हो सकता है। ऐसे में मॉनसून पर इसका कोई असर दिखता नजर नहीं आ रहा है। सितंबर के पहले हफ्ते में बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम सक्रिय हो रहा है, इसकी वजह से एक बार फिर मॉनसून की बारिश बढ़ेगी सितंबर महीने में भी। सितंबर के पहले हफ्ते में मध्यम बारिश के चांस है देश भर में, लेकिन मॉनसून की विदाई को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। मौसम एक्सपर्ट्स का मानना है कि सितंबर में भी देश भर के तमाम राज्यों में बारिश की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि खेती किसानी से जुड़े एक्सपर्ट्स का कहना है कि मॉनसून की विदाई में देरी होती है तो इसका असर कपास, धान, सोयाबीन, मक्का और दालों की फसल पर हो सकता है। इन फसलों का नुकसान हो सकता है क्योंकि ये फसलें सितंबर तक कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं। मौसम पे तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए किसान तक के साथ।